This call is now being recorded. ओके बच्चा, तो हम जो नेचुरल नंबर्स आपका होल नंबर्स पे कर चुके हैं, इंटीजर्स पे भी हम वही ऑपरेशंस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे। फर्स्ट हमने जो बेटा आपको अपना माइक ऑन नहीं करना, जो फर्स्ट हमने ऑपरेशन डिस्कस किया था। क्या बच्चा फोटो नहीं दिख रही है? बच्चे हो सकता है आपका नेटवर्क इशू हो, इसलिए आपका इमेज पहले जाता है। स्क्रीन दिख रही है, दैट्स फाइन। ओके, कोई बात नहीं, मैंने अपना कैमरा ऑन कर रखा है, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। मे बी नेटवर्क इशू के वजह से इमेज नहीं दिखती कभी कभी। तो बच्चे हम क्या बात कर रहे थे कि हमारा जो फर्स्ट आपका ऑपरेशन था इंटीजर्स पे, वो क्या था? मल्टीप्लिकेशन था। तो मैं आपको एक बार जल्दी से समझा देती हूँ, फिर हम पोल में इसका क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, जब आप सेम साइन का मल्टीप्लाई करते हो, जब आप दो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो जो कि सेम साइन है, तो हमेशा जो आंसर है वो किसका आता है? पॉजिटिव का ही आता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। सेम अगर हम नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तब भी जो आंसर है बच्चा वो किसका आएगा? पॉजिटिव का ही आएगा। इसका मैंने आपको और भी तरीके बताए थे। बच्चे आप कुछ पूछना चाह रहे हो तो मैसेज कर दो कि यहाँ आपका क्या करता है, एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव को कैंसिल आउट कर देता है, इसी वजह से आंसर जो है वो किसका आता है? पॉजिटिव का आता है। ठीक, और थर्ड तरीका हमने आपको साइन देखने का बताया था कि अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हमारा नेगेटिव आ रहा है तो आंसर हमारा नेगेटिव ही आता है, और अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आपका नेगेटिव का साइन आ रहा है तो आपका आंसर पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे देखो कितने बार आ रहा है, दो बार आ रहा है। दो आपका क्या है? एक इवन नंबर है, तो टू बार अगर नेगेटिव साइन आ रहा है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स नेगेटिव साइन आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चा? आपका आंसर पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये वाला माइनस इसको कैंसिल आउट कर देता है। लास्ट वाला देखते हैं बच्चे। लास्ट आपका क्या था कि अगर एक नेगेटिव है बच्चे, बाकियों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके बच्चा, फिर राजेश की आईडी से यस मैम दोबारा ज्वाइन कर लो बच्चा। यस मैम। ठीक है बच्चा। ओके, तो लास्ट हमने क्या बता रहे थे कि अगर हमारा साइन अलग अलग है तो हमारा क्या होगा बच्चा, कि यहाँ पर तो एक ही बार माइनस आ रहा है, एक ही बार नेगेटिव साइन आ रहा है, दैट मींस के जो बच्चा आप हैंड रेस कर रहे हो तो आप अपना मैसेज लिख के बता सकते हो, मैं बता दूंगी जो भी पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो आपका क्या आ रहा है? वन आपका क्या है? ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर बार जब भी नेगेटिव आता है तो आपका क्या आता है, जो आपका क्या है आंसर है वो नेगेटिव। देखो बच्चा, मैंने क्या बताया कि अगर सेम साइन होते जो पिछली क्लास में पढ़ चुके थे वही हम बता रहे हैं। अच्छा, आपको म्यूट ही रखना है, आपको ऑन करना ही नहीं है। हाँ बच्चा बता रहे, आप ही को बता रहे। ठीक है, तो देखो क्या बताया मैंने कि अगर टू सेम साइंस हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, वो क्या हो जा मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो उनका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे अगर टू पॉजिटिव का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बच्चा अगर कुछ पूछना है क्या बच्चा? बच्चे अगर वॉइस में कोई भी दिक्कत है तो आप एक बार फिर से रिज्वाइन कर लो, बेटर हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अगर जैसे सही में आवाज नहीं आ रही हो, कि जिसका भी वॉइस का दिक्कत है वो आप रिज्वाइन कर लो, जैसे भी कम आ रही है, जिसे भी आ नहीं रही है वो रिज्वाइन करेगा। ठीक है, हम क्या बता रहे थे, अगर सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो आंसर किसका आएगा? प्लस का आएगा। यस बेटा, नो, लेकिन तब भी ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, दोनों सेम नंबर है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ भी पॉजिटिव आएगा। ठीक, दूसरा तरीका हमने क्या बताया था, अगर आपका जो जो माइनस है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, तो आपका आंसर क्या आता है? माइनस में आता है, और अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है तो आपका आंसर प्लस में आता है। तो यहाँ पर कितने बार माइनस आ रहा था? टू बार ना, टू एक इवन नंबर है,
तो इवन नंबर बार जब भी आपका माइनस आता है तो आंसर किसका आता है? प्लस का ही आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस का आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो वन बार आ रहा है तो वन आपका ऑड नंबर है, तो आपका अगर जो वन है वो ऑड है या आप कह सकते हो ऑड नंबर ऑफ टाइप माइनस आ रहा है, तो आंसर जो आपका है वो किसका आएगा? माइनस का आएगा। अब समझ आया बच्चा, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स माइनस आता है तो हमारा आंसर माइनस का आएगा, और अगर हमारा इवन नंबर ऑफ टाइम्स माइनस आता है तो हमारा आंसर किसका आता है? प्लस का आता है। और एक भी बार माइनस नहीं आ रहा तब भी हम वही कहेंगे ना कि इवन नंबर ऑफ बार आ रहा है, क्योंकि जीरो भी इवन में ही कंसिडर होता है, तब भी हमारा आंसर किसका आएगा? प्लस का आएगा। दूसरा तरीका ये याद रखने का कि अगर दोनों जो नंबर है उनके साइन सेम है तो आंसर प्लस में है, ठीक है, और अलग अलग है दोनों नंबर के तो आपका आंसर क्या है? माइनस में। चलिए तो बता देंगे बच्चा, इतने समझ आया ताकि हम अपना क्वेश्चन कर सके। बच्चे जल्दी से बता दो, समझ आ गया इतना? सबको मैसेज करना है, अपना माइक ऑन नहीं करना किसी को। विपुल बेटा आपने हैंड रेस कर रखा है, कोई दिक्कत है आप पूछ सकते हो। बच्चे आप ट्रांसलेशन क्यों पूछ रहे हो? ऑड को हम क्या कहते हैं? आप उससे क्या करना है, विषम कहते हैं उसे, सम विषम इवन ऑड। ओके, आपको इंग्लिश नहीं जानना है, हिंदी में वैसे भी आपके काम आएगा नहीं। मैम हिंदी में ज्यादा समझ आता है। पर बच्चा स्कूल की जो बुक है उसमें तो इवन ही लिखा होगा, ऑड ही लिखा होगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है तुमको जान के भी? तो आप बता देते हो ना मैम। वो काम का नहीं है, मैं बता तो भले ही दूंगी लेकिन यूज का भी तो होना चाहिए तुम्हारे, ठीक है। नहीं देखो बच्चा क्वेश्चन आपको करना है, कोई आंसर बोलेगा नहीं, सब अपना पोल में आंसर करेंगे, और सबको ही आंसर करना बच्चा ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ गया, वरना मैं फिर से समझा। तो सारे बच्चे जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, -54 का मल्टीप्लिकेशन हमें 28 से करना है, जल्दी से करेंगे और आंसर हम पोल में देंगे। थोड़ा सा रुक के करेंगे, गलत आपको मार्क नहीं करना है जल्दी में, एटलीस्ट जब आपने सही आंसर निकाला है तब तो आपको गलत करना ही नहीं है। चलो बच्चा जल्दी जल्दी कर देंगे। बच्चा जिसके पास भी मैं अभी पोल का आंसर देने का ऑप्शन नहीं आ रहा है वो वेट करेगा, जैसे ही मैं मैसेज ऑन करूंगी तब आप कर सकते हैं। वेट करती हूँ सारे बच्चे आंसर कर दें। अभी भी आधे बच्चों ने आंसर किया है, आधे बच्चों ने कोई आंसर नहीं किया। जिनके पास पोल नहीं आ रहा है बच्चा कोई बात नहीं है, हम वेट करेंगे थोड़ा सा और जब हमारा मैसेज ऑन होगा तब हम वहां पर मैसेज करेंगे, लेकिन जिनके पास आ रहा है वो जल्दी से करते हैं। अभी भी मोर देन 15-14 स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया। दैट्स वेरी गुड, क्या मोस्ट ऑफ द बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, लेकिन करना सबको है। ओके बच्चों, बच्चे भी जल्दी से कर देंगे बच्चा। अभी भी 10 बच्चे हैं जिन्होंने अपना रिस्पांस नहीं किया है, जल्दी करेंगे बच्चे। बच्चे आप हैंड रेस करो, अभी मैं मैसेज ऑन करूंगी तब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। बच्चा सबको ही आंसर करना है। बच्चे म्यूट करो, आपको ऑन नहीं करना अपना माइक। ओके, मैं थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ, 5 सेकेंड, जिसने भी आंसर नहीं करा बच्चा जल्दी से आंसर कर देगा। 5, 4, 4, बच्चे आपको नहीं बोलना है, 3, 2, 1, हाँ बोल बोल तुम ही बोलो, 3, 2, 1, बच्चे हम रिमूव कर देंगे अगली बार बोलोगे तो। अब जिसके पास भी पोल नहीं खुला है बच्चा वो जाके आप मैसेज में आंसर कर सकते, आपको आंसर बता देगा।
आप में से कोई बच्चा है जिसके पास फोन नहीं आता हो? जिसके पास आता है आता है मैम। वो नहीं, जिसके पास आता है वो नहीं बोलेगा, जिसके पास नहीं आता वो आप एक बार मुझे बता दो नहीं आता हो तो। सबसे पहले हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 8 का मल्टीप्लाई करोगे 32, मतलब 32 तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा 44। नेक्स्ट हम 2 का करेंगे तो 8, और यहाँ पर करेंगे तो 10, ऐड कर दो कितना आ जाएगा 1512। ठीक है, अब बात आती है किसकी, अब आती है आपका साइन की। तो अभी मैंने बताया कि देखो एक ही बार साइन आ रही है, एक बच्चा नहीं बोलना है आपको, ठीक है। अगर एक ही बार नेगेटिव साइन है तो इसका क्या होगा, वन आपका ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ टाइम। बच्चे आप क्या चाहते हो, मैं अपनी तरफ से म्यूट कर दूं सबको? अगर ऐसा नहीं चाह रहे हो तो आप म्यूट करें अपने आप, ठीक है। तो बच्चा आपका क्या हो गया, वन बार आ रहा था, कोई बात नहीं गलती से हो गया बच्चे, कोई नहीं, आपको समझ आना चाहिए। ठीक, तो क्या हो गया बच्चे, एक बार आ रहा मतलब ऑड नंबर ऑफ बार आ रहा है, तो ऑड बार अगर आंसर माइनस आ रहा है तो आंसर में भी माइनस आएगा। ओके, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही किया है, तो मुझे नहीं लगता और क्वेश्चन हमें करने की जरूरत है। हम आगे बढ़ेंगे, आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एडिशन है। हाँ बच्चा, अगर कोई भी आप अनम्यूट करेगा तो मैं अपने तरफ से सभी को म्यूट कर दूंगी, डिस्टरबेंस नहीं चाहिए क्लास में, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछ सकते हो अनम्यूट करके, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यही आपका रीजन था कि आपको थोड़ा सा फ्रीडम दिया जाए, थोड़ा माइक ऑन करने का ऑप्शन दिया जाए, इसलिए आपका बैच स्प्लिट हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करेंगे। आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, आप लोगों को तो थोड़ा सा तो सिविलाइज्ड रहना ही यस चाहिए। मैम। मैं अभी आपसे क्या कह रही थी, म्यूट रखेंगे लेकिन आप अनम्यूट करके बोलेंगे, फायदे नहीं है ये बच्चे। नहीं, देखो एडिशन की हम बात करते हैं बच्चा, तो एडिशन में भी आपके वही टाइप आते हैं। कौन कौन से, जब हम क्या करते हैं बच्चा, सम करते हैं इंटीजर्स का, तो आपका क्या होगा, इंटीजर्स तो 3 टाइप के ही होते हैं। फर्स्ट आपके जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, दूसरा आपका जो कि नेगेटिव इंटीजर आते हैं, और थर्ड आपका क्या आता है, जीरो आता है। तो बच्चा हमें पता है कि हम किसी भी नंबर में जीरो ऐड करेंगे तो कोई चेंज होता ही नहीं है, तो जीरो हम इसलिए करते ही नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर हम नेगेटिव में भी जीरो ऐड करेंगे तब भी वही नंबर रहेगा, हम पॉजिटिव नंबर में भी जीरो ऐड करेंगे तब भी वही नंबर रहेगा, तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है इसके। हम देखेंगे बच्चे अदर 3 टाइप ऑफ आपके क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, कि जो दो नंबर हम ऐड कर रहे हैं, दो इंटीजर्स ऐड कर रहे हैं, वो दोनों कैसे हो, वो दोनों पॉजिटिव हो, पहला केस ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है बच्चा, कि दोनों इंटीजर जो हम ऐड कर रहे हैं वो नेगेटिव इंटीजर ऐड कर रहे हैं, और द लास्ट वन हम कह सकते हैं कि हम जो 2 इंटीजर्स ऐड कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है। तो आपका क्या हो सकता है, हम इस तरह भी ऐड कर सकते हैं और हम इस तरह भी ऐड कर सकते हैं, ठीक। इसी 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एडिशन ऑफ इंटीजर में, ठीक है। एक बच्चा, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। इतनी बात समझ आई बच्चा, कि आपके 3 टाइप्स ही क्वेश्चन बन सकते हैं, कि जो दोनों इंटीजर्स आपके ऐड हो रहे हैं वो दोनों कैसे हैं, वो या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, या फिर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ओके, तो हम एक एक करके इसको पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चा आपको अनम्यूट नहीं करना, आप फोन को थोड़ा दूर रखेंगे और शांति से समझने की कोशिश करेंगे, ये थोड़ा सा अलग है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना, ठीक। तो यही आपके 4 बन सकते हैं। पहला आप देखोगे कि दोनों आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। दूसरा आप देखोगे तो क्या है, एक दोनों आपका मैम आपने नेगेटिव कल ये इंटीजर करवा है। दिया था, क्या बच्चे, आपने ये करवा दिया था कल मैम। नहीं एडिशन मैंने नहीं करा, मैं सिर्फ टाइप बताए थे आपको, ठीक है बच्चे। व्हाट इज दिस बिहेवियर, आपको ये सब नहीं करना है ना। और मुझे पक्का याद है, क्योंकि आप ही का एक इंग्लिश फ्रेश है, बाकी सब हिंदी के, तो मुझे अच्छे से याद है कि आपने हमने ये नहीं कराया था, हमने सिर्फ आपको टाइप बताए थे कि इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, कि आपका यहाँ पर 1
नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव, और यहाँ पर आपका क्या है पॉजिटिव और नेगेटिव। बच्चे हम आपको थोड़ा सा लिबर्टी देना चाहते हैं कि आपको डाउट हो तो आप माइक ऑन करके पूछ लो, आप इतने भी छोटे नहीं हो कि आपको इतना ना समझ आए कि माइक को आपको ऐसे ही ऑन नहीं करना है कि आसपास का साउंड आए या आपको कुछ भी नहीं बोलना है। आपकी ये क्लास रिकॉर्डिंग पे भी जाती है, सब आपको सुनेंगे कि कितना आप डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को, ठीक है, और ऊपर से यहाँ भी तो सब सुन ही रहे ना बच्चे, तो बिहेव लाइक अ गुड वन, ओके। और ऐसे ही कि आप थोड़े से बड़े हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चा, हाँ बच्चा अटेंडेंस तो लगेगी, ठीक है बच्चे। तो आपका क्या है कि यहाँ पर हम पहले देखेंगे जहां पर दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करना, तो उस केस में क्या होता है बच्चा, आपको पता ही है जैसे हम नेचुरल नंबर में या फिर होल नंबर में ऐड करते थे ना, वैसे ही होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स या फिर होल नंबर नेचुरल नंबर एक सी बात होती है। तो जब हम दोनों पॉजिटिव को ऐड करते हैं तो नॉर्मली जो हम बचपन से एडिशन पढ़ते आ रहे हैं उसी तरह ऐड होगा, 10 में 5 का एडिशन होगा, ठीक है। तो पहले वाले में तो आपको दिक्कत नहीं होगी जब आप पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो हम उन्हें वैसे ही ऐड करते हैं जैसे हम नेचुरल नंबर को या फिर होल नंबर को ऐड कर रहे थे। इतनी बात समझ आए बच्चा? अगर मेरा फेस नहीं दिख रहा तो नेटवर्क इशू होगा, इसीलिए नहीं दिख रहा, ठीक है। मैंने अपना कैमरा ऑन कर रखा है, ठीक है बच्चा। आगे देखेंगे, आगे हमारा दूसरा जो टाइप है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो हम टाइप ले रहे हैं वहां पर एक आपका पॉजिटिव है और दूसरा आपका ये सॉरी पहला नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव है। तो जब हमारे दोनों नेगेटिव होते हैं बच्चा तब हमारा एडिशन ही होता है, तब भी हमें क्या करना पड़ता है, दोनों ऐड ही करने पड़ते हैं, लेकिन साइन हमारा नेगेटिव का ही आता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं बच्चे कि दोनों जो नंबर हैं जिनका एडिशन हो रहा है अगर वो सेम साइन के, सेम साइन का मतलब या तो वो पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव नेगेटिव है, तो उस केस में क्या होता है दोनों नंबर को ऐड कर देते हैं, ठीक है। क्या करना है, दोनों नंबर को ऐड करना है और साइन हमेशा आपका क्या आएगा जो दोनों नंबर के साथ साइन, ठीक है। आई रिपीट बच्चा, आपको कोई भी डाउट है पूछ लो मैसेज करके, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। जब हमारा क्या होता है कि दो नंबर जो कि एक ही साइन के हैं उनको ऐड किया जाता है, साइन कुछ भी हो बच्चा, पॉजिटिव नेगेटिव इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर साइन आपका सेम है तो हम क्या करते हैं नॉर्मली ऐड कर देते हैं और उसके बाद हमारा जो साइन है आंसर का वो कौन सा आता है, वो हमेशा वही साइन आता है जो नंबर पे साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले में देखो दोनों नंबर का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो आपका क्या आएगा पॉजिटिव साइन आएगा आंसर में, ठीक है। और जब हमारे दोनों नंबर का साइन नेगेटिव है तो आपका साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। चलो मैं आपको एक और तरीके से ये समझाती हूँ। मान लो आपने अपने दोस्त को 10 रुपीज दिए, ठीक है, तो 10 रुपीज देने का मतलब क्या है बच्चा, आपको अनम्यूट नहीं करना है, मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ वरना मैं रिमूव कर दूंगी विदाउट एनी वार्निंग, ठीक है। तो मैं आपको क्या कह रही हूँ बच्चे कि जब हमारा क्या होता है दो नंबर जो कि माइनस के हैं उनको ऐड करना है, तो हम इस तरह कैसे भी समझ सकते हैं कि आपने क्या किया, अपने दोस्त को 10 रुपीज दिए, क्योंकि आपने दिया है तो उसपे क्या हुआ, उस पर आपका माइनस का साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि उस पर आपका क्या हो गया, हिंदी में सोचे तो ऋण हो गया, ऋण का मतलब है नेगेटिव हो गया, ठीक है, डेट हो गया। और हमने उसे क्या दिया, 5 रुपए और दे दिए, ठीक। तो हम पूछे कि आपने टोटल उसे कितने रुपए दिए, टोटल का क्या मतलब होता है सम, तो आप क्या बोलोगे कि आपने उसे 15 रुपीज दिए हैं, 15 रुपीज दिए हैं, क्योंकि आपने उसे दिए हैं उस पर आपका कर्ज है, ऋण है, डेट है, इसलिए वो रुपीज किसका होगा, माइनस का होगा। ये वाली बात समझ आए बच्चा, कि आप क्या कर सकते हैं, या तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि माइनस का 10 और माइनस का 5 दोनों ही क्या है, एक ही तरह के साइन है, जब एक तरह के साइन होते हैं तो हम नॉर्मली उन नंबर को ऐड करते हैं
और साइन जो है वो हमेशा दोनों नंबर की जैसा ही आता है। ठीक है, दूसरा आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मान लो आप किसी को 10 रुपीज दे रहे हो, फिर और 5 रुपीज दे रहे हो, तो टोटल आप उसे कितने पैसे दे रहे हो, टोटल 15 रुपीज दे रहे हो। और क्योंकि आपसे पैसे जा रहे हैं इसलिए साइन किसका आएगा, ऋण का आएगा। अब जल्दी से बता दो ये दोनों केसेस समझ आए बच्चे, तो हम तीसरे तीसरे केसेस पे चलेंगे। यस मैम। यस बच्चा आपको मैसेज करना है, आपको बोलना नहीं है। जब तक आपको डाउट नहीं है तब तक आप अपना माइक ऑन नहीं करेंगे। डाउट है, लंबा डाउट है, आप बिल्कुल अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हो। चलिए जल्दी बचाएंगे बताएंगे बच्चे, यहाँ तक सब क्लियर है? किसी को भी कोई डाउट है जल्दी से पूछ लो, वरना हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, रिपीट भी कर देते हैं बच्चों। ओके, रिपीट में अब क्या है बच्चा, जब भी साइन एक सा हो, यहाँ पे देखो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव के हैं, तो आपका क्या बच्चे वॉइस क्लियर नहीं है, तो आप एक बार फिर से रीज्वाइन कर लो। हाँ, सेकंड में रिपीट कर देते हो। तो पहला आपका क्या है, जब भी सेम साइन के हैं तो क्या होता है, जुड़ता है। तो ये दोनों धन धन के हैं, प्लस प्लस के हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव के हैं, तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, या फिर एड हो जाएगा, और इनका साइन वही रहता है जो इन नंबर का। तो इन नंबर का क्या है, प्लस प्लस है। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, मैम तो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का ही आंसर हो सीधी जाएगा। बच्चा बात है, ओ ये देख लिए बच्चे, कल आपके ग्रुप में आपका नाम जरूर आएगा, जो भी आज डिस्टर्ब करें क्लास को, मैं आपके ग्रुप में आपके नाम भेजूंगी, ताकि आपके स्कूल वालों को भी पता चले कि आप लोग कितना डिस्टर्ब करते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका दूसरा जो है यहाँ पर क्या है। नहीं बच्चे, ये मल्टीपल नहीं है, ये एडिशन है, दोनों अलग अलग है बच्चे। मल्टीपल वाले रूल्स अलग है और एडिशन वाले अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों जो नंबर है वो किसके हैं, नेगेटिव के हैं, और नेगेटिव वाले नंबर भी हम क्या करते हैं, अगर दोनों नेगेटिव के नंबर है उनको भी ऐड करते हैं, और साइन हमेशा वही आता है जो दोनों नंबर में है। ठीक, इसका मैंने एक एग्जांपल भी बताया कि मान लो आपने अपने फ्रेंड को पहले 10 रुपीज दिए हैं, इसलिए माइनस आ रहा है। ओके, आपसे कम हुए है ना, फिर 5 रुपीज दिए, तो टोटल आपने उसको कितने रुपीज दिए, तो टोटल की जब भी बात करेंगे ऐड ही करेंगे ना, कि आपने उसे 15 रुपीज दिए। और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चा, कि उसके पास आपके पैसे है। अब समझ आया बच्चा? ओके बच्चे, फिर अब हम तीसरे पे बढ़ते हैं, थर्ड वाले टाइप पे बढ़ते हैं। थर्ड वाला क्या है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ठीक है, क्या है आपका, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो इस वाले टाइप में क्या करते हैं बच्चे, जब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो दोनों में, तो हम क्या करेंगे, जो लार्जर नंबर है आपका, जो ग्रेटर नंबर, लार्जर कह लो, लार्जर एक्चुअली में साइज के लिए होता है, तो बेटर है कि ग्रेटर कह लो, ग्रेटर मतलब बड़ा जो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो ग्रेटर नंबर है उससे स्मॉलर नंबर को क्या कर देते हैं, सब्स्ट्रैक्ट करते हैं। बच्चे पहले सुनेंगे, क्या करेंगे कि जो हमारा ग्रेटर नंबर है उससे हम स्मॉलर नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है बच्चा, अगर ये सब करोगे तो फिर मैं आपको रिमूव कर दूंगी, कोई भी यहाँ वहां की कोई भी बात नहीं करेगा। यहाँ आप पढ़ने आए हो, पढ़ोगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या बताया, जब आपको दो नंबर मिले एडिशन में जिनका अलग अलग साइन है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को माइनस कर देंगे। तो दोनों ही में नंबर सेम है, तो यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा। अब साइन की बात करें बच्चा, तो जो साइन है बच्चा, अगर आप लोग आपस में बात करोगे तो आई विल रिमूव यू। ठीक है, तो अगर हम साइन की बात करें, लास्ट टाइम मैं कह रही हूँ तीन बच्चे हो गए, तीनों में से या तीन के अलावा किसी ने भी एक भी बार मैसेज किया, तो मैं तीनों को रिमूव कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो कि अगर हम साइन की बात करें बच्चा, तो साइन हमेशा किसका आता है, ग्रेटर नंबर का आता है। ठीक है, किसका साइन आता है, ग्रेटर नंबर का आता है। तो यहाँ पर ग्रेटर नंबर क्या है, 10 है, 10 का साइन क्या है बच्चा, माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है,
तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एडी अच्छी बात है, अगर पता है, नहीं पता है तो सुन लो। तो यहाँ पर देखो लार्ज नंबर क्या है, 10, और इसका साइन जो है वो क्या है, प्लस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। समझ आया बच्चा कि यहाँ पर जो साइन था ग्रेटर नंबर का वो कितना था, वो माइनस का था, इसलिए आंसर में माइनस आया। बच्चा यहाँ पर ध्यान दो, और यहाँ पर जो ग्रेटर नंबर था वो प्लस का था, इसलिए यहाँ पर जो साइन है वो प्लस का आएगा। जल्दी से बता देंगे बच्चे, यहाँ तक समझ आ गया? किसी को कोई भी केस समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते। ओके बच्चे, समझ आ गया? तो हम आपको जल्दी से समराइज कर देते हैं कि टू नंबर जो कि सेम साइन के, ओके, जब सेम साइन के नंबर होते हैं तो आपका क्या होता है, एडिशन होता है, और एडिशन के साथ जो साइन होता है वो हमेशा किसका आता है, जो दोनों नंबर का साइन है, जो नंबर का साइन है बच्चा जिनका एडिशन कर रहे हैं, वही साइन आपका क्या आता है, वही साइन आपके आंसर में आता है। देखो यहाँ पर माइनस था तो आंसर माइनस का होता है बच्चे। वो किसी का भी आ सकता है बच्चा, वो आपका मल्टीप्लिकेशन में था कि दोनों माइनस का है तो आपका प्लस में आता था, और एक माइनस का एक प्लस का तो आपका माइनस का आता था। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है बच्चा, ये एडिशन है। तो आपका क्या हो सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। आपको ये डिफ्रेंशिएट करना बच्चा कि मल्टीपल में अलग होता है और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में अलग साइन होते हैं। ओके हाँ बच्चे करेंगे, पहले मुझे समराइज कर लेना दो ये। ठीक, तो हम क्या कह रहे थे बच्चे कि एडिशन हो रहा है दो ऐसे नंबर का जिनका साइन सेम है, तो वहां पर हम एडिशन करते हैं दोनों नंबर का, और साइन हमेशा कैसा आता है, जो यहाँ पर साइन है जो उन नंबर का साइन है जो ऐड हो रहा है। ठीक है, चलो बच्चा आगे देखेंगे। आपका जो अलग अलग नंबर का है, ठीक है, ऐसा एडिशन जो अलग अलग एक बच्चा, व्हाई आर यू डूइंग इट, आप यहाँ पे फोकस करो ना, क्या मिल जाएगा आपको क्लास डिस्टर्ब करके। ठीक हैंग हो गया है, क्या है, ऐसे हो गया? गलती से हुआ मैम, सॉरी सॉरी। क्या बच्चे कुछ पूछ रहे हो? नो मैम, अगर नहीं पूछ रहे हो बच्चे तो म्यूट रखो अपना माइक। देखो क्या बात कर रहे हैं हम कि यहाँ पर, ओके बच्चा अगर ये लोग करेंगे तो आई विल रिमूव। मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर कोई भी डिस्टरबेंस करेगा आप तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी, बहुत आपको मैंने वार्निंग दे दी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बच्चे। यहाँ पर अगर अलग अलग साइन के जो नंबर हैं उनको ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका साइन हमेशा किसका आता है, जो आपका बिगर इंटीजर है या फिर कह लो जो ग्रेटर इंटीजर है। बच्चा पहले मुझे बताने दो तो, फिर गलत करते हो आप लोग। ठीक है, समझ जाने दो सबको, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक, और करते कैसे, हमें ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्सट्रैक्ट करना होता है। ठीक, और सब्सट्रैक्शन के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें हमेशा लार्जर या फिर ग्रेटर जो इंटीजर होगा उसका साइन लगाएंगे। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ेंगे बच्चे। अब आप मुझे ये करके दिखाओ, ठीक है, एग्जाम्पल वन जो दे रखा है वो सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। जल्दी करेंगे, जैसे दो का था वैसे ही थ्री का है, ट्राई करो। सही गलत उससे मतलब नहीं है, पहले बस हम ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको थर्ड वाला भी समझा। ट्राई करेंगे बच्चा, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल पहले से फर्स्ट ट्राई करेंगे, सेकंड ट्राई कोई नहीं करेगा, सेकंड मैं बताऊंगी तभी करेंगे, पहले फर्स्ट। ओके बच्चे, ओके, बाकी बच्चे भी आंसर कर दे रहे हैं, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलो बच्चे अब यहाँ पे ध्यान देंगे, पहले हम देखेंगे फर्स्ट वाला। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चे जिसमें प्लस साइन के भी हो और नेगेटिव साइन के भी हो, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम सम कर लेंगे प्लस प्लस वालों को। हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, प्लस प्लस वालों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 12 और 15 को ऐड कर लेंगे, तो
तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। बच्चा आगे नहीं बढ़ना है, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक, अब आपका क्या बचा, अब आपका माइनस बचा। अब तो यही तरीका हो गया ना बच्चा। देखो यहाँ पर क्या है, वन आपका प्लस का है और दूसरा आपका नेगेटिव का है, दोनों इंटीजर्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जो टू इंटीजर्स है हम इनको क्या करते हैं, पहले सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और साइन हमें किसका आता है, सॉरी एट आएगा यहाँ पे, जो साइन है वो किसका आता है, साइन है वो हमेशा बड़े नंबर का ही आता है। ठीक है, ग्रेटर नंबर का ही आता है, तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस एट आ जाएगा। इतनी बात समझ आई बच्चे? तो हम क्या करते हैं, जब हमारा प्लस और माइनस दोनों तरह के साइन हो किसी भी क्वेश्चन में, तो हम सबसे पहले जो प्लस प्लस वाला है उनको क्या कर लेते हैं, उनको ऐड कर देते हैं, फिर हम क्या बन जाएगा, टू नंबर्स वाला बन जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हम उसको टू नंबर्स जैसे हल कर लेंगे, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर साइन है तो हम इनको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करके साइन किसका लगाएंगे, ग्रेटर नंबर। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका सीधे माइनस माइनस ही है। ठीक, तो इस तरह के जो भी आपका होता है, तो वैसे तो जैसे हमने टू का बताया था वैसे ही थ्री का होगा। ठीक बच्चा, यहाँ पे ध्यान दो, जैसे हमारे टू नंबर्स का था वैसे ही थ्री नंबर्स का होगा, कि जब सारे साइन सेम है, जैसे हम एडिशन में करते हैं ना, मान लो टू थ्री और फाइव हमें ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा ऐड कर देते हैं ना। सेम यहाँ पर भी, जब भी साइन सेम होते हैं, चाहे वो एडिशन हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो हमें क्या करना होता है, सारे नंबर को पहले हम जोड़ देते हैं, तो कितना आएगा, 11, 16, फिर उसके बाद हम वही साइन लगाते हैं जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि सारे नंबर में प्रेजेंट है, तो आपका क्या आ जाएगा, -16 हो जाएगा। बच्चा क्या तरीका है, ये सब नहीं करना है आपको, कोई बात नहीं बच्चा। ठीक है बच्चा, आप माइनस का क्यों, सॉरी प्लस का क्यों लिख रहे हो, प्लस का थोड़ी ना आएगा, देखो इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है। अभी मैंने आपको क्या बताया, जब सेम साइन के नंबर्स ऐड होते हैं तो आपका आंसर भी उसी साइन का आता है। बच्चा आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लो, हैंड रेज कर रहे हो बार बार। ठीक है चलो बच्चे, अब मैं आपको जल्दी से समराइज कर देता हूँ, जल्दी जल्दी बता देते हैं कि जब इंटीजर जो कि सेम नंबर के हैं, बच्चा आपको कुछ पूछता है तो आप पूछ लो, हैंड रेज कर रहे हो आप। ठीक है, तो जब इंटीजर सेम किसके होते हैं, साइन के होते हैं, चाहे वो एडिशन का हो और चाहे वो सब्सट्रैक्शन का, तो हमारा क्या होता है बच्चा, हमेशा वो नंबर को ऐड किया जाता है, एडिशन होता है। ओके, और साइन हमेशा कौन सा रहेगा, जो कि इंटीजर्स का साइन था, जैसे यहाँ पे करते ऐड कर देते 11, साइन किसका आएगा, जो ये नंबर है जिनको ऐड कर रहे हैं उसी का साइन आएगा, पॉजिटिव भी साइन आएगा। दूसरा हम देखें बच्चे, कोई बात नहीं बच्चा, यहाँ पर देखेंगे कि 6 और 5 को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों सेम साइन के, सेम साइन हमेशा एडिशन होता है। ओके, और साइन कौन सा आएगा, जो कि इंटीजर्स का साइन था, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। जब आपका जो नेटवर्क प्रॉब्लम होता है ना, सबसे पहले आपका जो होस्ट है उसके फोटो ही नहीं दिखते, ताकि आपको क्लास में कोई दिक्कत। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, जब हम इंटीजर जो कि डिफरेंट साइन के हैं उनको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं, दो डिफरेंट साइन के इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, तब उस केस में क्या होता है बच्चा, हम यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करते हैं। कैसे, कि ग्रेटर नंबर जो है उसको हम क्या करेंगे, उसको उसमें से स्मॉलर नंबर को या स्मॉलर इंटीजर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो, लार्जर नंबर या ग्रेटर नंबर कौन सा है, 5, और स्मॉलर कैसा है, 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर हमें साइन का देखना है, तो साइन अगर हम देखें तो हमारा साइन किसका आता है, जो आपका ग्रेटर नंबर है, तो ग्रेटर नंबर आपका कौन सा है, पहले वाले केस में देखें या दूसरे वाले केस में देखें, ग्रेटर नंबर तो हमारा 5 ही है, तो पहले वाले केस में जो 5 है उसका साइन क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो आंसर आपका किसका आ जाएगा, नेगेटिव -1 आ जाएगा। दूसरे में जो आपका 5 है वो किसका है, प्लस का है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। अब जल्दी से बता दो बच्चा, समझ आ गया ये,
चलिए बताएंगे बच्चे, फिर इसके बाद हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। अब तुम स्पाइडरमैन बन जाओ, ठीक है? गुड, अब तुम्हारे अंदर से वो निकलेगा, सब स्पाइडरमैन कहलाओगे तुम, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है बच्चा तो मैं जल्दी से रिवाइज करा दूंगी कि जब हम क्या करते हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ऐसे नंबर जो पॉजिटिव ही हैं दोनों, या जिनके साथ पॉजिटिव पॉजिटिव साइन लगे हैं, तो वो क्या हो जाता है, जो ऑपरेशन है वो हमारा पॉजिटिव ही हो जाता है। ओके, फिर कुछ नहीं दिख रहा बच्चा, तो फिर आप एक बार फिर से रिज्वाइन कर लो, नेटवर्क इशू का हम कुछ नहीं कर सकते। और उसका साइन कौन सा आता है, साइन वही आता है जो इंटीजर्स का साइन है, तो इंटीजर्स किस कहते हैं, पॉजिटिव कहते हैं, तो साइन भी क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है? दूसरा देखेंगे आप, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव है, तो अगर हम नेगेटिव और नेगेटिव को ऐड करेंगे, या दोनों आपके दोनों नेगेटिव के होंगे, तो साइन सेम होता है, तो क्या होता है, एडिशन होता है, तो यहाँ पर भी दोनों साइन एक से ही है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका एडिशन होगा, और हमारा जो साइन है वो किसका आता है, जो कि इंटीजर्स का है जिन्हें हम ऐड कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, साइन नेगेटिव का आएगा, ठीक है? लास्ट वाला हमने आपको क्या बताया था कि अगर एक आपका इंटीजर प्लस का है और दूसरा क्या क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है? नेक्स्ट आपका देखो कि आपका एक पॉजिटिव का है, एक नेगेटिव का है, तो इस केस में क्या होता है बच्चा, हमेशा ग्रेटर वाले नंबर से स्मॉलर वाला नंबर को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, और जो हमारा आंसर आता है उसमें हम ग्रेटर नंबर वाले का साइन लगाते हैं। ओके, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पहले हम आपको दो क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले ये करेंगे फिर हम पोल में करेंगे। बच्चे मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो। नेक्स्ट देखो हम क्या कर रहे हैं, हम 15 में ऐड कर रहे हैं -8, ठीक है? और हम आपका 130 में ऐड कर रहे हैं 95 प्लस का। इन दोनों का आंसर दो बच्चों जल्दी से, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। जल्दी ट्राई करेंगे बच्चे, जल्दी जल्दी ट्राई करो बच्चों ये क्वेश्चन। बच्चा अगर, वैसे भी ये तुम्हारे स्कूल का ग्रुप नहीं है ना, अगर तुम सही से पेश नहीं आओगे बच्चा, तो हम आपकी कंप्लेन कर देंगे कि आप अपने जो आपका स्कूल है जहाँ आपकी क्लासेस लगती हैं वहां से अलग क्लास कर रहे हो, ठीक है? तो बच्चे जो दूसरे स्कूल के बच्चे और यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं, जिनका बैच स्प्लिट होकर वो दूसरे बैच में गए थे, आप लोगों को तो एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोग सही से बिहेव करो। चलो बच्चे दोनों क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, मतलब दोनों क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। थोड़ा ध्यान से करेंगे, आंसर कितना आएगा, साइन के साथ साथ आंसर का भी ध्यान रखेंगे। साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का आता है, और सॉल्व हमेशा कैसे करना होता है, ग्रेटर नंबर को, क्वेश्चन स्क्रीन पे है बच्चा, साइड में 15 प्लस -8 और नीचे है -130 प्लस 95। बच्चे अब इसका क्या कर सकते हैं, आप एक बार फिर से रिज्वाइन कर लें। और अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है बच्चे, कोई नहीं, कल आप वहां पे देख लेना। ओके बच्चे, कोई बात नहीं, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए ये ट्राई करो पहले, फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हम बता देते हैं, फिर जिसने सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई नहीं किया है वो कर लेगा। यहाँ पे देखो बच्चा, दोनों इंटीजर का जो साइन है, ओके बच्चे, वो क्या है, वो आपके अलग अलग है, ठीक है, डिफरेंट है। तो जब आपका डिफरेंट साइन होते हैं, तो मैंने क्या बताया था कि ग्रेटर वाले से स्मॉलर वाले को हम क्या कर देते हैं, सबसेट कर देते हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके, और इसमें साइन हमेशा किसका लगाते हैं, ग्रेटर वाले इंटीजर का साइन लगाते हैं, तो ग्रेटर इंटीजर कौन सा है, 15, तो यहाँ पर
15 का साइन लगाएंगे जो कि क्या है, पॉजिटिव है। साइन नहीं होता तब भी तो वो पॉजिटिव ही माना जाता है ना, तो आप क्या कह सकते हो, आपका प्लस का 7 आंसर आएगा। दूसरा देखेंगे बच्चा, 1 माइनस 130 और यहाँ पर प्लस 95। इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सेम तरीका, दोनों के जो साइन है। बच्चा अगर कोई दिक्कत है तो मैसेज कर लो, हैंड रेज कर लो। ओके बच्चे, ठीक है, तो आपका क्या है, ये आपका हम दोनों माइनस कर देते हैं, माइनस कर। बच्चा हैंड रेज कर रहे हो आप, मैसेज कर लो, मैसेज का ऑप्शन है, तो इससे हम क्या आएगा हमारा 35 आएगा। ठीक है, ठीक, ये आपका 35 आ गया ना, 35 आपका आंसर आ गया। आप साइन देखेंगे तो साइन आपका क्या आएगा, जो ग्रेटर नंबर का है, ग्रेटर नंबर का क्या साइन है, माइनस साइन है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, -35। इतना समझ आया बच्चा, चलिए बता दो ये समझ आ गया ना बच्चा, तो हम फिर अब हाँ करेंगे, अभी बहुत टाइम है, अभी से क्यों बोल रहे हो, काम से हम जरूर करेंगे। ठीक है चलो, ओके, फिर मैं ये ऑफ कर रही हूँ चैट सेक्शन, और फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले। क्वेश्चन आपका क्या है, -68 में हमें ऐड करना है -90, तो आप कर लो, फिर मैं एक सेकेंड में अभी आपको पोल का ऑप्शन दे दे। चलो पोल मैंने लॉन्च कर दिया बच्चे, जब आपका क्वेश्चन हो जाए तभी ही आपको आंसर देना है, जल्दी में आंसर नहीं करना। साइन का भी ध्यान रखेंगे बच्चा, गलत नहीं करेंगे, और जल्दी में तो बिल्कुल गलत नहीं करेंगे बच्चे। जो आंसर कर रहे हैं वो एक बार साइन का भी ध्यान दे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे गलत कर रहे हैं, तो मैं फिर से कह रही हूँ, जब आप आंसर करो तो साइन का भी ध्यान देना है, जो मैंने अभी आपको बताया है। चलो बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, साइन का स्पेशल ध्यान देना है बच्चा, गलत नहीं करना है। चलो बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं करा है वो जल्दी से करते। अभी भी बहुत सारे बच्चों का कोई आंसर नहीं आया, बच्चा जल्दी करेंगे आप। अभी भी मोर देन 10% हैं जिन्होंने आंसर नहीं करा बच्चा, सबको ही आंसर करना। चलो बच्चा जिन्होंने आंसर नहीं किया है वो जल्दी आंसर कर दे। अभी भी आपके 10% हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, जल्दी करेंगे बच्चा, सही आंसर करेंगे, और थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा समझेंगे और सही आंसर करेंगे। मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर दिया है, पर बहुत सारे बच्चों ने गलत भी दिया है। ज्यादा बच्चों ने सही दिया है आई एग्री, पर बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर भी गलत दिया। बच्चा अभी मैंने आपको बताया था कि जब दोनों साइन सेम होते हैं तो आपका क्या है, ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों साइन सेम है तो आपका क्या होगा, एड होगा, तो 68 और 90 को ऐड कर दो, 150 हो जाएगा। लेकिन आंसर ये नहीं है, आंसर मैंने आपको क्या बताया था कि साइन कैसे पता करेंगे, साइन हम पता करेंगे कि इन दोनों नंबर का जो भी साइन है वही आपके आंसर का साइन होगा। तो आंसर तो आपका 158 है, लेकिन किसका, माइनस का, तो आपका आंसर बी है, ए नहीं। अब समझ आया बच्चा कि जब हमारा क्या होता है,
दो नंबर जो कि सेम साइन के हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उन दोनों को ही ऐड करना पड़ता है, और ऐड के साथ हम साइन वही लगाते हैं जो हमारे क्वेश्चन में इंटीजर का साइन है। बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि अगर हम दो प्लस वाले इंटीजर जोड़ रहे हैं तो आंसर प्लस में आता है, ठीक है। नॉर्मली हम उनको जोड़ते ही हैं, ओके। और दो अगर हमारे निगेटिव इंटीजर है तो हम इनको जोड़ेंगे तो, लेकिन हमेशा इनका उत्तर निगेटिव में ही आएगा। कोई बात नहीं बच्चे, आप रिकॉर्डिंग कर लेना। दूसरा आपका क्या बताया था कि अगर आपके जो साइन है वो अलग अलग हैं, कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है। तो क्या होता है, तो हमें हमेशा ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को क्या करना पड़ता है, सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसमें हमेशा जो साइन लगेगा वो ग्रेटर नंबर का लगेगा, ओके। समझ आया? जिसने भी गलत किया था बच्चा, आपको समझ आया? अगले क्वेश्चन में आपको साइन की गलती नहीं करनी है। कोई बात नहीं बच्चे, हो गया, समझ गए हो आप, तो आप अगले जो क्वेश्चन होगा उसमें सही करेंगे। नो बच्चा, अभी पहले पोल पूरा करेंगे, ओके। चलो बच्चा, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि -217 में से, मतलब 217 में हमें 100 ऐड करना है। बच्चे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख के करेंगे, लास्ट वाले क्वेश्चन जैसे बहुत सारे बच्चे गलत ना करें, इसको थोड़ा सा देख के, थोड़ा सा साइंस सोच के ही करेंगे, ठीक है। मैं लॉन्च कर रही हूँ, आप जल्दी से इसको मार्क कर देंगे, लेकिन सही सही ही मार्क करेंगे। बच्चा मैं दोबारा कह रही हूँ, सोच समझ के करो, आप लोग फिर से गलती कर रहे हो बहुत सारे बच्चे। अभी मैंने समझाया आपको कि साइन डिफरेंट होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा, जिन्होंने आंसर नहीं करा बच्चा जल्दी जल्दी कर दे, फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम आज का, फिर आगे बढ़ेंगे, मतलब आपका होमवर्क चेक करेंगे और आपको होमवर्क देंगे। बस हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और, फिर हम आज इतना ही रहने देंगे। तो आप लोग जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे और सही आंसर करेंगे। अभी भी 10% ने कोई आंसर नहीं दिया बच्चा, जल्दी करेंगे बच्चे। जिनके पास ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, पोल नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी मैं ऑन करती हूँ तो आप वहां पर कर सकते हैं। बच्चा जिसने मार्क नहीं किया अभी पोल, जल्दी से कर दे, मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। ओके बच्चा, अभी मैंने आपको समझाया था, फिर भी आप लोगों ने गलत किया है। अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि जब टू नंबर जिनके अलग अलग साइन है और उनको क्या करना है, ऐड करना है, देखो ये ऐड लगा है ना, तो हम क्या करते हैं, लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या आएगा, 1 1 17 आएगा। और साइन हम कौन सा लगाते हैं, जो हमारे ग्रेटर नंबर का होता है, तो 270 ग्रेटर है तो साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। तो बच्चे लास्ट क्वेश्चन करके जाएंगे, अब समझ आया बच्चा, ठीक है। तो आपका क्या है, जब भी दो अलग अलग या डिफरेंट डिफरेंट साइन के नंबर्स हैं जिन्हें ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर
को सब्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसके बाद साइन हमेशा ग्रेटर नंबर के लगाते हैं। बच्चा ये सब नहीं करना है आपको, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 9 बच्चे लास्ट क्वेश्चन है, करके जाएंगे। लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 110 में हमें माइनस का 100 ऐड करना है। तो मैं पोल ऑन कर रही हूँ, बच्चे जल्दी करेंगे, जितने जल्दी हम ये क्वेश्चन कर लेंगे उतने जल्दी हम जा सकते हैं। मतलब होमवर्क लेके जाना है आपको, ऐसा नहीं कि पहले ही निकल लो। चलो बच्चा मैंने पोल ऑन कर दिया है, जल्दी से आंसर करेंगे, थोड़ा सोच समझ के बच्चा आप गलत नहीं करना है। आप लोग जल्दी में बहुत गलत करते हो। पेपर जो फर्स्ट कमेंट आया वो गलत आया, मतलब आपने सिर्फ जल्दी में गलत किया, आपने क्वेश्चन को समझा ही नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से देखो, गलत आपको नहीं करना है क्योंकि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आपको सही करना है। बच्चे आप लोग अभी भी गलत कर रहे हो, साइन को देखो ढंग से फिर ही आंसर करो। बच्चे जिसने भी आंसर नहीं करा वो जल्दी से कर दे, क्योंकि अभी भी 10% हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चा, आंसर हर कोई करेगा ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ आ रहा है। बच्चा जिसने भी रिस्पॉन्स नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर दे, मैं आपको थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ, जल्दी जल्दी करेंगे। पांच सेकेंड और दे रहे हैं हम आपको। अभी भी 4 बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बच्चा जल्दी आंसर करेंगे, 5, 4, 3, 2 और 1। ये वाला क्वेश्चन तब भी पहले से तो बेटर आपका पोल रिस्पॉन्स है, लेकिन अभी भी सारे बच्चों ने सही नहीं किया। अभी मैंने आपको क्या बताया था, 2 डिफरेंट नंबर्स हैं, 2 डिफरेंट नंबर्स के जो साइन है वो अलग अलग है, मतलब जो नंबर्स हैं वो डिफरेंट साइन के हैं। ठीक, तो जब डिफरेंट साइन के होते हैं तो क्या करते हैं, बच्चा होमवर्क तो ले लो, अभी टाइम है, इतनी भी जल्दी क्या, लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस कर देते हैं तो 10 हो जाता है। ठीक, और इसके साथ हमारा साइन हमेशा ग्रेटर नंबर का आता है, तो ग्रेटर नंबर 110 है, इसका साइन क्या है, प्लस। तो आंसर आपका क्या आएगा, +10 आएगा। ओके बच्चे, बस तो चलिए से होमवर्क ले लेते हैं हम। हाँ बच्चा बस 2 मिनट वेट करेंगे, होमवर्क लेंगे और यू कैन, ठीक है, लेकिन होमवर्क लिए बिना नहीं जाओगे आप। बच्चा ये सब नहीं करना है आपको, यहाँ पर आप सिर्फ सिर्फ पढ़ाई की बातें करेंगे, यहाँ वहां की नहीं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एडिशन वाला आज करेंगे। तो एडिशन में आपको क्या करना है, 8.1, 8.2, ये आपका होमवर्क है, आप लिख लो जल्दी से। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी ले लो, वरना फिर हम कल आपको भेज ही देंगे। ठीक है बच्चे, तो आज फिर हम यहीं तक रहने देंगे। कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, ओके बच्चे, चलो अच्छा।